हेलो फ्रेंड्स, नव गुजरात एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिटीशन। अब पिटीशन में हम आज तीन पिटीशन पढ़ने वाले हैं। उसमें रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन, ये तीन पिटीशन पढ़ने वाले हैं। पिटीशन मतलब क्या है कि जो अर्जी करते हैं कोर्ट में उसको पिटीशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम रिव्यू पिटीशन ले लेते हैं। अब ये रिव्यू पिटीशन क्या है? रिव्यू पिटीशन तब डालते हैं जब कोई एरर होती है जजमेंट के अंदर। जैसे कोर्ट में कोई जजमेंट दिया या ऑर्डर दिया कोई बेंच ने, तो उसमें एरर होती है, तब ये पिटीशन जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है वो डालता है। अब थोड़ा मैं आपको कंसेप्चुअली क्लियर करा दूं कि सबसे पहले रिव्यू पिटीशन होती है। अगर रिव्यू पिटीशन को वहाँ पे डिसमिस कर दिया जाए तो सेकंड नंबर पे होती है क्यूरेटिव पिटीशन। अगर उसको भी डिसमिस कर दिया जाए तो फिर वो पीड़ित व्यक्ति या दोषित व्यक्ति मर्सी पिटीशन के लिए जाता है। अगर वो भी अगर डिसमिस कर दिया जाए तो फिर वो सज़ा उसकी ऐसी की ऐसी रहती है। अब सबसे पहले ये रिव्यू पिटीशन जो हमने पढ़ा, ये इसमें क्या होता है कि जो कोई भी जजमेंट आया पीड़ित व्यक्ति या दोषी, उसको दोषी करार दिया गया और उसमें एरर है, तो वो रिव्यू पिटीशन कोर्ट के अंदर कर सकता है। उसको जो अधिकार मिले हैं वो जो आर्टिकल 137 है उसके अंतर्गत जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो जो जो उसका जजमेंट होता है उसको रिव्यू करता है। और जो पिटिशनर है उसको 30 दिन के अंदर अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 के अंतर्गत 30 दिन के अंदर उसको ये पिटीशन डालनी होती है। अगर वो पिटीशन कुछ कारण से नहीं डालता और 30 दिन बाद पिटीशन डालता है, तो उसको जेन्युइन रीज़न बताना पड़ता है कि उसने क्यों रिव्यू पिटीशन 30 दिन के अंदर नहीं डाली है। अब ये पिटीशन डालने के बाद जो आर्गुमेंट होती है वो ओरल आर्गुमेंट नहीं होती है। जैसे कोर्ट के अंदर ओरल आर्गुमेंट होती है ना, वैसे यहाँ पे ओरल आर्गुमेंट नहीं होती है। सिर्फ एक सर्कुलेशन भेजा जाता है, और वो किसको भेजा जाता है कि जो बेंच ने जजमेंट दिया हो वो सेम बेंच को ये चीज़ भेजी जाती है। अगर बेंच ने ये रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दिया तो फिर वो जो दोषी है वो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए जाएगा, क्योंकि अभी वो रिव्यू उसको ऑलरेडी उसने दोषी करार दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे दोषी उसको बोल रहे हैं। और अगर उस ये जो डिसमिस हो गई रिव्यू पिटीशन, तो फिर उसको क्यूरेटिव पिटीशन के लिए वो बंदा जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। तो सबसे पहले क्यूरेटिव पिटीशन जो इवॉल्व हुई है वो हुई है 2002 में, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड ANR, जो 2002 का जजमेंट था, तब ये क्यूरेटिव पिटीशन इवॉल्व हुई है। ये कब होती है? जब रिव्यू पिटीशन सुन ले और वो डिसमिस हो जाए, उसके बाद जो पिटीशनर है वो ये वाली पिटीशन डाल सकता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे उसमें 30 डेज होते थे वैसे इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ये पूरी गारंटी देती है अंडर आर्टिकल नंबर 137, जो पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को। अब यहाँ ध्यान देने लायक ये बात है कि रिव्यू पिटीशन में भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और क्यूरेटिव पिटीशन में भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो उसको सुन सकता है या डिसमिस कर सकता है, ठीक है? तो ये दोनों में पावर कोर्ट के पास ही होती है। अब हम इनकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर ये क्यूरेटिव पिटीशन डालनी हो तो उसके पास जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि उसका जो नेचुरल जस्टिस है उसका वायोलेशन हुआ है। यानी क्या कि जो उसके साथ बायस हुआ है, यानी उसके पास साथ कोई पक्षपात हुआ है, ठीक है, उसके साथ फेयर ट्रायल नहीं हुई है, तब ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसमें उसने लिखा होना चाहिए कि जो भी उसने रिव्यू पिटीशन में जो भी लिखा था वो सब सर्कुलेशन के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उसके बाद जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए सीनियर लॉयर के द्वारा, जो भी सीनियर लॉयर है उसके द्वारा उसको सर्टिफाइड किया जाना चाहिए। फिर ये पिटीशन किसके पास जाएगी? अगर सर्टिफाई कर दिया, फिर तीन जो जज हो गए सीनियर मोस्ट उसके पास, और जो जज ने वो पिटिशनर का फैसला दिया है उसके पास, अरे यानी वो जो दोषी है उसके पास, उसका जो फैसला दिया है वो जो बेंच है उसके पास जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बेंच है
और ये जज है, वो अगर एग्री होते हैं कि नहीं मैटर को फिर से सुना जाना चाहिए, तो फिर जल्दी से जल्दी वो मैटर को सुना जाएगा। अगर कोर्ट है उस पर एक्सेम्प्लेरी कोर्स डालती है, अगर पिटीशन के पिटीशनर पे, कब, जब वो लैक्स ऑफ मेरिट हो गए, ठीक है, तब उस पर डालती है। अब ये एक्सेम्प्लेरी मीनिंग क्या है, तो वो उसको पनिशमेंट देंगे कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है, ये डिटरेंस क्रिएट करने के लिए होगा। तो ये थी हमारी क्यूरेटिव पिटीशन। अब अगर बंदे ने एक पिटीशन डाल दी, वो डिसमिस हो गई, रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव डिसमिस हो गई, तो उसके पास तीसरा एक चांस है मर्सी पिटीशन, यानी उसकी दो लाइफलाइन चली गई, अब ये उसकी तीसरी लाइफलाइन उसके पास है। तो ये पिटीशन में पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, अगर स्टेट है तो गवर्नर के पास, कौन सा आर्टिकल, 161 आर्टिकल के तहत उसके पास ये पावर है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है 72 आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये दया अर्जी होती है, मर्सी पिटीशन यानी दया अर्जी। अब हम इसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं। तो आर्टिकल 72 जो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसमें वो क्या कर सकते हैं कि ग्रांट पार्डन, यानी पार्डन दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, जो सजा हो सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कॉम्यूट कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये वर्ड्स, ये सब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि वो उसके पास पावर है ये सब चीज़ करने की। और एक्स्ट्रा जो पावर है वो है कि जो केसेस है जिसमें कोर्ट मास्टर किया हुआ है, वो भी उसकी भी अर्जी वो देखते हैं। यूनियन में कोई है यानी सेंटर में कोई अर्जी है, वो भी वो देखते हैं, उसका पावर भी उनके पास है, या फिर डेथ सेंटेंस है उसका पावर भी उनके हाथ में होता है। ये सब चीज़ों में अर्जी होती है तो उनके पास पावर होता है। अब गवर्नर और ये प्रेसिडेंट, दोनों में डिफरेंस वही है कि गवर्नर के पास ये तीन में से एक भी पावर नहीं है। यहाँ पे उनके पास, गवर्नर के पास स्टेट की पावर है, यहाँ पे कोर्ट मार्शल की कोई पावर उनके पास नहीं है। अब ये कोर्ट मार्शल क्या था, जैसे कोई आर्मी मैन है, उसको आर्मी कोर्ट में उसको कोर्ट मार्शल किया हो, तो वो ये अर्जी यहाँ पे कर सकते हैं। और डेथ सेंटेंस का भी पावर गवर्नर के हाथ में नहीं है। गवर्नर के हाथ में आर्टिकल 161 के तहत पावर होता है, जिसमें वो पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, पनिशमेंट को सस्पेंड, रिमिट, कॉम्यूट कर सकता है, और उसके पास स्टेट तक का पावर होता है, स्टेट का, यूनियन का उसके पास कोई पावर नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये जो वर्ड हमने देखे थे भारी भारी, वो वर्ड का क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पार्डन देखेंगे। पार्डन यानी क्या होता है कि माफ़ करना, जो सजा है उसको माफ़ करो, और जो भी बंदा है उसको नॉर्मल सिटीजन की तरह रहने दो। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्यूट, कि जो भी पनिशमेंट का टाइप है उसको रिड्यूस करो, यानी कठोर जो पनिशमेंट है उसको सिंपल पनिशमेंट में डालो। उसके बाद रिमिशन, रिमिशन में क्या होता है कि उसके जो साल होते हैं वो रिड्यूस करने होते हैं, ठीक है, दंड की अवधि को थोड़ा घटाना होता है, जैसे 20 साल है तो 10 साल करो। उसके बाद रिप्राइव, अस्थाई रूप से इसको डीले करते हैं, यानी क्या कि अगर कोई बंदा है जो गिल्टी है, उसको डेथ सेंटेंस मिली है, तो उसको जब तक प्रूव ना हो जाए इनोसेंट, तब तक उसको थोड़े टाइम के लिए उसको सजा को थोड़ा डीले करते हैं। उसके बाद रिस्पाइट, यानी उसमें राहत देते हैं। अब राहत कैसी, जैसे प्रेगनेंसी हुई या कोई ओल्ड एज का हो गया, तो उसको पनिशमेंट में राहत मिलती है। अब हम जैसे कोर्ट मार्शल को ऑलरेडी देखा, वहाँ जो स्लाइड में जो पावर था प्रेसिडेंट के पास ये वाला, वो हमने ऑलरेडी देखा है, वही चीज़ ये नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोर्ट मार्शल इज ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स हु चार्ज विद ब्रेकिंग मिलिट्री लॉ, अगर मिलिट्री के लॉ को ब्रेक किया हो तो मिलिट्री कोर्ट द्वारा कोर्ट मार्शल उसको किया जाता है, फिर वो जो अर्जी है वो प्रेसिडेंट को कर सकता है, ओके, गवर्नर को वो अर्जी नहीं देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मर्सी पिटीशन की जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो उसकी प्रोसीजर में सबसे पहले तो आएगा कि जो जेल होता है उसका सुपरिटेंडेंट होता है, जो जेल का सुपरिटेंडेंट, वो इन्फॉर्म करता है जिसको भी डेथ सेंटेंस दिया हो वो बंदे को, कि आप 7 दिन के अंदर पिटीशन डालो, अगर उसको डालनी हो तो। उसके बाद वो पिटीशन प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरीट होते हैं वहाँ पे डालते हैं, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट,
फिर वो जो ये पिटीशन है वो किसके पास जाती है, वहाँ से प्रेसिडेंट के पास से, यानी वो सेक्रेटरी के पास से, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास जाती है। ठीक है, ये ध्यान देने लायक बाबत है, ये ज़रा ध्यान रखना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसका एग्जामिन करते हैं और प्रेसिडेंट से को रिकमेंड करने से पहले वो जो स्टेट हो उससे वो कंसर्न करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले कहाँ गई, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास, फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर स्टेट से कंसल्ट करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक बाबत यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी समझ लो कि कैबिनेट की, जो कैबिनेट है वो, ठीक है, उसका जो यहाँ पे है उसकी एडवाइस चलती है। अब पावर तो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन इन शॉर्ट समझ लो कि पावर है इनके पास। अगर कैबिनेट ने यहाँ पे निर्णय दिया, रिकमेंड दिया कि फांसी देना ही है, तो प्रेसिडेंट फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उसको भेजते हैं और प्रेसिडेंट के पास उसका रिकमेंडेशन भी भेजते हैं, और फिर प्रेसिडेंट उसको जो भी मर्सी पिटीशन को करना है वो करता है। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न प्रोसीजर नहीं होती है, ठीक है, और ना ही कोई ओरल होती है जैसे कोर्ट के अंदर करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलती है। सो गाइस, ये लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कोई अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।